शिवराज नहीं होंगे अगले सीएम। सीएम पद को लेकर नरेंद्र तोमर का बड़ा खुलासा। बीजेपी जीती चुनाव तो किसे बनाएंगे सीएम, केंद्रीय मंत्री ने उठा दिया पर्दा। शिवराज सिंह चौहान इस समय बीजेपी की सत्ता की वापसी के लिए जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं, शहर शहर कार्यक्रम कर रहे हैं, प्रदेश की आधी आबादी यानी महिलाओं को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले लाडली बहन योजना लेकर आए, 1,000 रुपए महिलाओं के अकाउंट में पहुंचाए जा रहे हैं। रक्षाबंधन पर महिलाओं को 250 रुपए अतिरिक्त दिए गए, गैस सिलेंडर 450 रुपए कर दिया गया, और भी कई योजनाओं को लाने की बात कह रहे हैं। प्रदेश के खजाने की चिंता नहीं कर रहे हैं, जो भी है उसे जनता का बता रहे हैं और जनता के बीच ही लुटा रहे हैं। शिवराज सिंह जिस तरह एक के बाद एक घोषणाएं कर रहे हैं, उसके बाद कांग्रेस भी दबाव में दिख रही है। पूरे भारत में कांग्रेस 5 गारंटियों के सहारे चुनाव लड़ रही है, लेकिन बात मध्य प्रदेश के आते ही गारंटियों की संख्या 2 गुनी से ज़्यादा हो गई है। MP के लिए कांग्रेस 11 गारंटियां दे रही है, क्योंकि शिवराज के आगे 5 गारंटियां काम नहीं कर रही हैं, इसलिए इनकी संख्या को बढ़ाया गया है। शिवराज 17 साल से मध्य प्रदेश के सीएम है। बीजेपी में कोई भी नेता इतने लंबे समय तक किसी भी राज्य का सीएम नहीं रहा है। ऐसे में इस बात का तो सवाल ही नहीं उठना चाहिए था कि विधानसभा चुनाव में पार्टी का चेहरा कौन होगा, सत्ता मिली तो किसे सीएम बनाया जाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश में ये सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी नेताओं से पूछा जा रहा है कि चुनाव में दूल्हा कौन है, बीजेपी किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रही है, क्योंकि प्रचार सामग्री में शिवराज का चेहरा ही नहीं दिख रहा है, हर जगह सिर्फ पीएम मोदी का चेहरा ही दिख रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि सीएम उम्मीदवार बीजेपी किसे बना रही है, और बना भी रही है या नहीं बना रही है, क्योंकि चर्चाएं हो रही हैं कि MP में रिकॉर्डधारी सीएम होने के बावजूद बीजेपी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रही है। और जब ये सवाल भोपाल में पत्रकारों ने MP में बीजेपी के चुनाव समिति के चेयरमैन नरेंद्र तोमर से किया, सवाल किया गया कि अभी शिवराज सीएम है, चुनाव के बाद क्या वो ही रहेंगे या बदल दिया जाएगा। वैसे भी बीजेपी चुनाव जिसके नेतृत्व में सत्ता मिलने पर वही सीएम हो ये तय नहीं होता है। सीएम और डिप्टी सीएम किसी को भी बनाया जा सकता है। ऐसे में मध्य प्रदेश को लेकर क्या प्लान है, सवाल सीधा था, लेकिन जवाब नरेंद्र तोमर ने घुमा कर दिया। लेकिन केंद्रीय कृषि मंत्री ने जो संकेत दिए वो साफ थे कि सत्ता मिलने पर शिवराज को क्रेडिट नहीं दिया जाएगा, सीएम शिवराज ही होंगे या कोई और होगा अभी तय नहीं किया जाएगा, यानी सीएम बदला जा सकता है, पार्टी के पास विकल्प खुला है। बीजेपी चुनाव समिति प्रमुख कुछ चीज़ें मुझे तय करनी होती हैं, कुछ चीज़ों को अध्यक्ष को तय करना होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे संसदीय बोर्ड तय करती है। ऐसे में आप मुझसे जवाब चाहते हो, जब तक कोई भी बात तय नहीं होती तब तक बोलना उचित नहीं होता है, आपको संदेह करने की ज़रूरत नहीं है। साफ नरेंद्र तोमर ने शिवराज का नाम सीएम उम्मीदवार के लिए नहीं लिया है। नरेंद्र तोमर के बयान से साफ है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी संकट में पड़ चुकी है। वो सीएम रहेंगे या नहीं रहेंगे इसका फैसला चुनाव के बाद होगा। सबसे पहले तो चुनाव जीतना होगा, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद ही सीएम पद को लेकर सवाल उठ पाएंगे। और चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है, तो सीएम पद को लेकर फैसला भी हाईकमान ही लेगा, और किसके पक्ष में होगा इस पर भी सवाल बने हुए हैं। क्योंकि बीजेपी की ओर से इस बार कोई भी नेता सीएम पद को लेकर दावेदारी पेश नहीं कर रहा है, क्योंकि सभी को इस बात का डर लग रहा है कि जिसकी जितनी बड़ी दावेदारी होगी उसका पत्ता सबसे पहले कट जाएगा।